सर देखो, हमने आज चौथा दिन है ना, फोर्थ लेक्चर इशू ऑफ शेयर्स, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने देखो बेसिक अकाउंटिंग एंट्री जो किए थे, आठ एंट्री, वो तो आप लोग समझ ही लिए होंगे। बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, तो एप्लीकेशन में दो एंट्री है, अलॉटमेंट में दो एंट्री है, फर्स्ट कॉल में दो एंट्री और फाइनल कॉल में भी दो एंट्री है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी दो दो एंट्री है। इस पर प्रॉब्लम हमने करा दिए हैं, दो दो प्रॉब्लम गजानन लिमिटेड का एकदम इक्वल, वही सब प्रॉब्लम रिपीट होगा वापस। हमने जो है दो दो प्रॉब्लम इस पर कराए थे, उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स है प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स है प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है, प्रीमियम का अमाउंट अगर अगर किसी शेयर किसी मेंबर ने शेयर परचेज किया है, हाँ, इफ शेयर्स आर इशूड एट ऑफ रुपीज 10 इशूड एट 13, तो 3 रुपए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। ये प्रीमियम का भी हमने प्रॉब्लम, प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों का प्रॉब्लम हमने कर दिया है। इसका बैलेंस शीट में क्या पोजीशन होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आता है और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखाते हैं। देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एसेट साइड आता है, प्रीमियम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आता है। अब देखो ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन द, यहां से स्टार्ट करना है आज, चलो स्टार्ट करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इशूड टू द पब्लिक इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने समझो 10,000 शेयर इशू किया और 15,000 शेयर बिक गया, 15,000 शेयर सब्सक्राइब हो गया, तो 5,000 जो है ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाने पर लीगली जो है कंपनी जितना शेयर इशू किया है उतना ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, बाकी जो पैसा ओवर सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी आया है वो कंपनी जो है रिफंड करेगी या तो एडजस्ट करेगी। रिफंड का मतलब रहता है जो पैसा 5,000 पर समझो 5,000 शेयर पर एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया है, कंपनी उसको रिफंड दे देगी। रिफंड दे देगी मतलब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जा रहा है ना, बैंक पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट होगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में दो केस हो सकता है, या तो कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड करेगी या तो बोलेगी अलॉटमेंट के टाइम तुम पैसा कम भरना, ये भी हो सकता है। वो उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मतलब क्या हुआ, समझो अगर कंपनी ने इशू किया है 20,000 शेयर और बिक गया कितना, सब्सक्राइब हुआ 30,000 शेयर, तो अब उसको रेशियो में अलॉटमेंट कर, सबको शेयर देना है, जिन लोगों ने अप्लाई किया है सबको शेयर अलॉट करना है। तो अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या होगा, 3:2, जिन्होंने 3 शेयर अप्लाई किया उनको शेयर 2 देंगे और उनको बोलेंगे कि आप आपको पैसा हम एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा तुम जो है कम भरना, तो उसको बोलते हैं प्रोराटा। तो कम भरना मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड कहां हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट में हो रहा है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एंट्री भी बहुत आसान है, देखो एंट्री जो है जो याद करना जो है, देखो जब कंपनी रिफंड करेगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब एडजस्ट करेगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा कम भरना है, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो उतना अमाउंट माइनस हो जाता है। उसके बाद होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में समझो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, 8,000 बिका, तो यहाँ कंपनी की मजबूरी है जो जिन लोगों ने अप्लाई किया सबको शेयर कंपनी अलॉट करेगी, यहाँ जो है कंपनी की मजबूरी है वो सबको जो है शेयर अलॉट करेगी, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर इशूड और ऑफर्ड टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इन दिस केस जनरल एंट्री आर मेड ऑन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड ओनली, यानी जितना उन्होंने अप्लाई किया है अलॉट हुआ है उस पे ही एंट्री पास होगी। उसके बाद देखो ये हमने प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया था,
देखो वैशाली लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार पेबल, एट पार है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही कंपनी ने इशू किया है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, और इंस्टॉलमेंट क्या बना रहा है, एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट के टाइम जो है 4 रुपए लेंगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल मनी एक ही साथ आ रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, 3 + 4 + 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर, देखो 10,000 कंपनी ने इशू किया शेयर और एप्लीकेशन कंपनी के पास 15,000 शेयर का एप्लीकेशन, शेयर जो है खरीदने का जो है एप्लीकेशन कितना आ गया 15,000 का, यानी कंपनी जो है कंपनी के पास 15,000 शेयर जो है सब्सक्राइब हो गया, पब्लिक ने ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाया है यहाँ पर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, मैंने क्या बोला था कि कंपनी की एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है या तो रिफंड करेगी या तो एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट के टाइम, तो ये प्रॉब्लम ने हमको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि जब रिजेक्ट कर दिया तो कंपनी उनका पैसा जो है जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है 5,000 शेयर पर उनको रिफंड दे देंगी, जिनको जो लोगों ने एप्लीकेशन मनी ज्यादा भरा है उनको जो है रिफंड कर देगी सीधा। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वेयर वॉज रिफंडेड, द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, मतलब ये जो है फर्स्ट का एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये सब पैसा जो है कंपनी को रिसीव हो चुका है। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम ये सब प्रॉब्लम में जो किए हैं जनन जी वही सेम ही रहेगा, सिर्फ एक एंट्री इसमें एडिशनल आ जाएगा रिफंड का, यानी 3 स्टेप है, ऑन एप्लीकेशन 2 एंट्री, ऑन अलॉटमेंट 2 एंट्री, ऑन फर्स्ट कॉल 2 एंट्री, 6 एंट्रीज हुआ, एक जो है एंट्री आ जाएगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिफंड कर दिया मनी, वो एक एंट्री जो है एक्स्ट्रा आ गया। अगर तुम पहले से जो प्रॉब्लम हमने समझाया है वो अच्छे से कर लिए होंगे तो यहाँ जो है सिर्फ एक ही एंट्री अलग आएगी। देखो फर्स्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही एंट्री है जो, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 15,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर वे रिसीव, एप्लीकेशन मनी कितना 3 रुपए, लेकिन कंपनी ने इशू किया 10,000 लेकिन आया कितना फॉर्म 15,000, तो एप्लीकेशन मनी तो 15,000 पाएगा ना, इसलिए 15,000 × 3, तो 15,000 × 3 कितना हो जाएगा 45,000, तो ये देखो अमाउंट कॉलम में 45,000 45,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 45,000, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 15,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर वेयर रिसीव्ड, इतना रिसीव हुआ। अब जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में तो कितना ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल में, जितना कंपनी ने इशू किया है उतना ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा तो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए देखो जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल आएगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा तो यहाँ अमाउंट जो है 10,000 पर ही ट्रांसफर कर सकती है क्योंकि कंपनी ने 10,000 ही शेयर इशू किया है मार्केट में, तो लीगली कानूनी तौर पर कंपनी 10,000 ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, 5,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है वो जो है 5,000 × 3 15,000 वो रिफंड करेगी, तो यहाँ पर जो है वही एंट्री है जो पहले एंट्री पास कर रही हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 30,000। अब देखो बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर ट्रांसफर टू प्रीफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, यहाँ पर भी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल लिख दिया है तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा। अब देखो 5,000 जो एक एंट्री जो है 6 एंट्री के बीच में ये जो है एक एंट्री जो है आ रहा है वो है रिफंड की एंट्री, तो रिफंड में एप्लीकेशन मनी रिफंड हो रहा है, एप्लीकेशन मनी जो 5,000, देखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, 5,000 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया है तो पैसा रिफंड करना पड़ेगा, तो रिफंड क्या होगा एप्लीकेशन मनी रिफंड होगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगा यहाँ पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर वेयर रिफंडेड, 5,000 × 3 15,000 यहाँ आ जाएगा, यही एक एंट्री जो येलो कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा है, बाकी सब एंट्री जो है पीछे का है। अब उसके बाद अलॉटमेंट की 2 एंट्री आएगी,
अलॉटमेंट में पहले अलॉटमेंट लेटर कंपनी भेजती है, यानी अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। तो देखो अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी कितना है 4 रुपए, तो और अमाउंट की शेयर कितना है इक्विटी शेयर 10,000। अब 5,000 तो रिफंड हो गया, 5,000 से कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी ने 10,000 इशू किया, 10,000 जो है शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हुआ, अब 10,000 का ही 10,000 जो है अलॉटमेंट मनी भी ट्रांसफर होगा। तो 10,000 × 4 एप्लीकेशन और 4 रुपीज पर, तो 10,000 × 4 कितना हो जाएगा 40,000। देखो अमाउंट डालने में 40,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 4 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल लिखो या 4 पर शेयर ड्यू यानी रिसीवेबल आना बाकी है। तो ये हो गया अलॉटमेंट की पहली एंट्री। अब उसके बाद अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री देख लो, अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री तुरंत जो है पैसा अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट 10,000 × 4 40,000, पूरा का पूरा पैसा आया ना, द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, मनी जो है पूरा का पूरा रिसीव हुआ, सब इंस्टॉलमेंट पूरा का पूरा रिसीव हो चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट Being allotment money on 10,000 equity share at rupees 4 per share received, यहाँ पर due नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा received रहेगा। हाँ, तो per share जो है 40,000 रुपए पैसा receive हो चुका है, 10,000 × 4 40,000। तो ये allotment money received है, being allotment money on 10,000 equity share at rupees 4 per share received, यहाँ due by mistake है, वो correction हम कर देंगे जब note भेजेंगे। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलग अलग नहीं रह रहा है, एक ही साथ 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यहाँ पर 3 रुपए, 4 रुपए और 3 रुपए, 10 रुपए पूरा हो जाता है साल में। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी दो एंट्री होगा, पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, फिर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा, तो 10,000 × 3 30,000, फिर 30,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। देखो अब एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 10,000 × 3 30,000, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 3 पर शेयर रिसीवेबल आर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल भी यहाँ लिख सकते हो ड्यू की जगह, तो 10,000 × 3 30,000। अब उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव की एंट्री होगा, तो जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 4 एट रुपीज 3 रहेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 है, यहाँ बाई मिस्टेक 4 रुपए हो गया है, वो 3 रुपीज। तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 3 पर शेयर रिसीव्ड, ड्यू नहीं रिसीव्ड, वो कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, तो 3 रुपए के हिसाब से यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इतना पैसा जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हो चुका है। तो ये एंट्री हमको शो द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द वैशाली लिमिटेड, तो वैशाली लिमिटेड में ये टोटल 7 एंट्री हुआ है, 6 एंट्री जो है पहले का ही है, सिर्फ एक एंट्री जो है रिफंड की इसमें आई है, जो देखो पीछे वापस, तो देखो एप्लीकेशन के टाइम 2 एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन जो है 15,000 एप्लीकेशन आया, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो 15,000 × 3 45,000 बैंक कॉलम में रहेगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, याद करना भी ईजी है, लेकिन लीगली जो है 10,000 शेयर को ही ट्रांसफर करेगा, बाकी 5,000 रिफंड करेगा। तो रिफंड की देखो यहाँ पर येलो में दिया है, ये रिफंड की एंट्री आएगी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 3 पर शेयर रिफंडेड, तो ये रिफंड हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट 4 रुपए है, तो 4 रुपए के हिसाब से 10,000 × 4 40,000 रुपए जो है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दिए, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल हो गया, उसके बाद अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक इतना पैसा जो है अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल फिर रिसीव, फिर उसके बाद फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट होगा 10,000 × 3
उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह से ये जो है पांचवा एंट्री, पांचवा प्रॉब्लम जो है हो गया है। अब उसके बाद देखो सिक्स एंट्री जो है सैनिका कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर टू द पब्लिक ऑफ रुपीज 10 इंच टेबल एस। देखो 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किया है और ₹10 फेस वैल्यू है शेयर का। अब देखो ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 5, 2, 7 और 3, 10 टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया ना, ₹10 का शेयर है, ₹10 हो गया। ऑल द कॉल्स वेयर मेड एंड मनी रिसीव, पूरा का पूरा कॉल जो है हो चुका है, पूरा पैसा रिसीव भी हो चुका है, है? उसके बाद है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, है? कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया और बिका कितना 20,000, 10,000 ज्यादा आ गया, है? कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर और डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है प्रोराटा बेसिस क्या है। प्रोराटा बेसिस मतलब सबको शेयर दिया जाएगा लेकिन उनके रेशियो में, कहने का मतलब है कि डबल आ गया ना, 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किया, 20,000 आ गया, लेकिन कानूनी तौर पर जो है कंपनी 10,000 ही शेयर अपने पास रख सकती है, यानी 10,000 ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है, 10,000 शेयर्स। अब बाकी जो 10,000 है या तो रिफंड करेगी या तो एडजस्ट करेगी। यहाँ रिफंड की एंट्री नहीं है, कहीं प्रॉब्लम में ये नहीं बताया है कि कंपनी ने जो एक्सेस 10,000 एप्लीकेशन आया था वो रिफंड किया, वो रिफंड की नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सबको शेयर अलॉट करो लेकिन प्रोराटा बेसिस पर, कहने का मतलब जिसने 2 शेयर अप्लाई किया है उसको 1 शेयर दो, डबल डबल है ना, डबल आया है ना, तो जिन्होंने 2 अप्लाई किया उनको जो है 1 शेयर दो, यानी जिन्होंने 100 शेयर अप्लाई किया उनको 50 शेयर दो, जिन्होंने 200 शेयर अप्लाई किया उनको 100 शेयर दो। इसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट, यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, रेशियो में अलॉटमेंट। तो रेशियो में अलॉटमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट। तो प्रोराटा अलॉटमेंट समझ में आया, तो प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब रेशियो में अलॉटमेंट है। किसी कंपनी ने अगर 10,000 शेयर इशू किया और कंपनी का शेयर बिक गया 20,000, अब कंपनी बोल रही कि प्रोराटा अलॉटमेंट सबको, यानी सबको शेयर मिलना चाहिए, जिन लोगों ने अप्लाई किया है सबको शेयर मिलना चाहिए, लेकिन हम 50% कर देंगे, यानी 20,000 एप्लीकेशन आया 10,000 को देना है तो सबको 50-50 कर देंगे, जिन्होंने 1,000 शेयर अप्लाई किया उनको 500 कर दोगे, है? तो ये कंपनी के डायरेक्टर्स ने बोले, डायरेक्टर ने मीटिंग में डिसाइड किया, डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। तो यहाँ पर जो है रिफंड का तो एंट्री नहीं आएगा, जब रिफंड की एंट्री नहीं आएगा तो क्या होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। आवाज आ रही है, तो देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है रिफंड नहीं कर रही है कंपनी, बोल रही है कि इसको एडजस्ट कर देंगे कब, अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम बोलेंगे उतना पैसा कम भरना है। तो कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में क्वेश्चन कर रहे हैं जो भी है वो लिख के रखो। हाँ और क्या देखो, देखो इंट्रीज यहाँ पर भी जो है इंट्रीज तकरीबन जो है जो सेम है, ये सिर्फ जो अलग है वो हम बता रहे हैं यहाँ पर एलो में। देखो सैनिका लिमिटेड जनरल इन द बुक ऑफ सैनिका लिमिटेड, देखो एप्लीकेशन मनी कितना है ₹2, लेकिन एप्लीकेशन आया कितना 10,000 तो कंपनी ने इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन कितना आया 20,000। तो 20,000 जो एप्लीकेशन आ रहा है तो एप्लीकेशन मनी भी 20,000 का आएगा ना, बाकी या तो रिफंड करेगा या तो एडजस्ट करेगा। रिफंड की एंट्री है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिफंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा कम भरना, तो वो आ रहा है। तो देखो एप्लीकेशन कितना आया 20,000 शेयर इंटू 2, तो 20 × 2=40,000। देखो एप्लीकेशन मनी कितना आया, ये पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being application money on 20,000 equity share at ₹2 per share received
एप्लीकेशन मनी 20,000 पर आ रहा है क्योंकि कंपनी ने 10,000 इशू किया, लेकिन ज्यादा भी गैस है कंपनी को ये मालूम नहीं। कंपनी के पास तो पहले पैसा आएगा ना, बाद में वो या रिफंड होगा या तो एडजस्ट होगा, जैसा डायरेक्टर लोग डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि सबको शेयर इशू करो, लेकिन प्रो राटा बेसिस पर करो, यानी रेशियो में करो। तो रेशियो में करो मतलब जिन्होंने 100 शेयर अप्लाई किया उनको 50, जिन्होंने 200 शेयर अप्लाई किया उनको 100, यानी 50% हो जाएगा। तो एप्लीकेशन मनी तो आ गया 20,000 शेयर पर। अब उसके बाद लेकिन कंपनी जो है शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेगी, 10,000 ही, 10,000 इंटू 2 तो 20,000 ही। देखो अमाउंट कॉलम में यहाँ 20,000, 40,000 नहीं है, यहाँ 20,000 है। 20,000 ही शेयर कैपिटल में कंपनी ट्रांसफर करेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट ₹2, 2 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर करेगी। हा? अब देखो एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी आया है 10,000 पर, 10,000 इंटू 2 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, तो ये रिफंड नहीं हो रहा है। ये कंपनी क्या बोल रही है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बोल रहा है कि हम ऐसा रिफंड नहीं दे रहे हैं, हम इसको एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के टाइम। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 2, 20,000 जो है यह अलॉटमेंट का है, उतना पैसा शेयर होल्डर जो है कम भरेंगे। समझ में आ गया, यही एक एंट्री एडिशनल आया है, बाकी सब एंट्री जो है पीछे का है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, अब इसको सिस्टम से लिख दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000। कंपनी ने 10,000 इशू किया था, 10,000 ज्यादा आ गया फॉर्म, तो एक्सेस जो आया उसकी एंट्री है बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 2, 20,000 जो है जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा वो टाइम जो है एडजस्ट कर देंगे। देखो कैसे एडजस्ट करते हैं वो हम बताते हैं, ध्यान से देखना उसको। अब देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो अब अलॉटमेंट जो है कितने लोगों को जाएगा, 10,000 पर ही है। कंपनी ने 10,000 एक्सेस जो आया है एडजस्ट करने के लिए बोल दिया है ना, तो 10,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है, 5, तो अलॉटमेंट 10,000 इंटू 5, 50,000 जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री आएगी, यानी अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो देखो यह एंट्री क्या बन रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट कितना बन रहा है, 50,000, ठीक है, 10,000 इंटू 5 बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹5 पर शेयर ड्यू या रिसीवेबल या ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, आपका कंपनी क्या बोल रही है कि अलॉटमेंट मनी रिसीव करो, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ये 50,000 रिसीव नहीं हो रहा है, जो 20,000 एडजस्ट करना है, 20,000 इसके पहले एंट्री में हमने बता दिया ना। देखो 20,000 जो है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट के टाइम 20,000 एडजस्ट करना है, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा वो टाइम जो है हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री देखो कॉलम में 30,000 अमाउंट है, ऊपर 50,000 है, 50,000 में 20,000 इन लोगों ने पहले ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम भर चुके हैं ना, एप्लीकेशन के टाइम पैसा भर चुके हैं। वो बोला है डायरेक्टर की एडजस्ट कर दो, अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा शेयर होल्डर जो है कम भरेंगे। तो वही है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यही एंट्री जो है, ये एंट्री का अमाउंट जो है अलग है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी बी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 20,000 है वो एडजस्ट करने के बाद एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया कितना, 30,000। अगर एडजस्ट नहीं होता था तो 50,000 आना चाहिए था, जो ऊपर की एंट्री में 50,000 अमाउंट बता रहा है, अब वो 50,000 की जगह कितना आएगा, 30,000 आएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट का बहुत ध्यान देना है, अमाउंट के ऊपर ही एंट्री, यहाँ तुम एंट्री सही पास की हो लेकिन अमाउंट गलत लिख दिए तो पूरी एंट्री जो है क्रॉस हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना अमाउंट जो है सही होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000, ये 30,000 कैसे आया मालूम पड़ा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए बोला है डायरेक्टर ने,
तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में, 20,000 जो है माइनस हो गया क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम ये लोग ज्यादा पैसा दिए भरे थे और वो रिफंड नहीं हुआ था। अब देखो उसके बाद आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की दो एंट्री, जो अब रेगुलर बेसिस पर एंट्री पास करते आए हो वही एंट्री रहेगा, 10,000 × 3 = 30,000 ड्यू की एंट्री होगा, फिर 30,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव की एंट्री होगा। देखो चेक कर लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 10,000 शेयर एट ₹3 पर शेयर रिसीवेबल आर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वही अमाउंट जो है पूरा का पूरा रिसीव हुआ। तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, अगर और बढ़ाना है तो बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर रिसीव, ऐसा भी देख सकते हो जैसा ऊपर एडजस्टमेंट में है ये नरेशन में है वैसा यहाँ भी देख सकते हो। तो इस तरह से जो है ये 6th प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो है एक एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड की एंट्री आई है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा जो है यहाँ 5th एंट्री में माइनस हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 कैसे आया मालूम पड़ा, 50,000 माइनस 20,000 जो एडजस्ट करने के लिए डायरेक्टर ने बोला है। तो इस तरह से जो है ये 6th प्रॉब्लम पूरा होता है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है थोड़ा सा, XYZ कंपनी लिमिटेड इशूड 4,000, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का रहेगा हमारे से, ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं है ये अंडर सब्सक्रिप्शन का है। देखो 4,000 शेयर कंपनी ने इशू किया एट ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज, 25 ऑन अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट, ₹60 अलॉटमेंट पर हो गया तो बचा कितना 60 और 85 तो बचा 15, 15 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी तीन इंस्टॉलमेंट में ही आ रहा है तो 3×2=6 एंट्रीज ही होगा। ये एंट्री जो है यहाँ पर कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है इस प्रॉब्लम में, जनरली इन द बुक ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड। अब देखो जो एंट्री जो है ये 6 के 6 एंट्री जो है पहले ऑलरेडी कर चुके हो, फर्क क्या है यहाँ पर, कंपनी ने इशू किया 4,000 शेयर लेकिन पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर, यानी कंपनी का शेयर जो है सिर्फ 3,000 ही बिका, 1,000 बिका ही नहीं। तो यहाँ तो कंपनी की मजबूरी है कि 3,000 पर एप्लीकेशन भी आएगा, 3,000 ट्रांसफर भी होगा शेयर कैपिटल पर, क्योंकि एप्लीकेशन ही 3,000 आया। तो अब यहाँ कंपनी की मजबूरी है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया सबको जो है शेयर अलॉट करो, ऑल द मनी अर्न अलॉटमेंट एंड कॉल वेयर रिसीव, पूरा का पूरा पैसा जो है अलॉटमेंट और कॉल्स जो है रिसीव हो चुका, पूरा का पूरा पैसा जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर जो है कंपनी ने तो इशू किया 4,000 लेकिन एप्लीकेशन कितना आया 3,000, तो अब जो है यहाँ पर 3,000 से ही मल्टीप्लाई तीनों जगह होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट और क्यों 4,000 पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि उतना एप्लीकेशन आया ही नहीं ना, जब एप्लीकेशन नहीं आया तो कैसे करेंगे हा? तो देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट एंट्री और फर्स्ट और सेकंड हर एक स्टेप पर दो दो एंट्री है, टोटल 6 एंट्रीज है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट मल्टीप्लाई 4,000 से नहीं होगा क्योंकि एप्लीकेशन अपने पास 3,000 आया, वहां पर कंपनी ने इशू किया था 10,000 लेकिन आया था 20,000, तो 20,000 से मल्टीप्लाई हुआ था ना, जितना एप्लीकेशन आता है उतने से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3,000 × 25 कितना हो जाएगा 75,000। देखो 75,000 जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 3,000 इक्विटी शेयर एट ₹25 पर शेयर रिसीव, आसान है पहले जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है एंट्री में, एक बार एंट्री का अच्छे से कर लोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। देखो अब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरा का पूरा जो है ट्रांसफर हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 3,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹25 पर शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, 3,000 ही ट्रांसफर होगा क्योंकि 4,000 तो एप्लीकेशन आया नहीं, एप्लीकेशन 3,000, अब यहाँ कंपनी की मजबूरी है जितना शेयर आया वही ट्रांसफर होगा वही जो है रिसीव होगा। अब उसके बाद जो है अलॉटमेंट की दो एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
अब 3000 into 60 सिक्स बीइंग अलॉटिंग मनी ऑन 3000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 60 पर शेयर ड्यू और रिसीवेबल, तो 3000 into 60 कितना हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 ड्यू है और 1,80,000 ही रिसीव होगा। देखो वही सेम प्रॉब्लम है इधर साइड में, तो अगला बैंक अकाउंट एबिलिटी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,80,000, 1,80,000 बी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 3000 इक्विटी शेयर एट रुपीज 60 पर शेयर रिसीव, पर शेयर के हिसाब से रिसीव भी हो चुका है, हाँ? कोई ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है, पुराना ही एंट्री है, अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन में या तो रिफंड होगा या तो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, वही थोड़ा सा देखना रहता है। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी पहले ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा, वही ओल्ड एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 3000 शेयर एट रुपीज 15 पर शेयर ड्यू और रिसीवेबल, तो ड्यू 15,000 into 3 कितना हो जाएगा 45,000, 45,000 ट्रांसफर किए शेयर कैपिटल में और 45,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव हुआ एट रुपीज 15 पर शेयर, तो 45 रिसीव हो चुका है। तो ये जो है फर्स्ट सेकेंड एंट्री के जैसा ही है, तीन स्टेप है, तीन स्टेप पे ही पूरा का पूरा पैसा आ गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन में या तो रिफंड होगा या तो एडजस्ट होगा, जैसा प्रॉब्लम बोलेगा वैसा एंट्री पास करना है। तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट होता है आज का। उसके बाद जो है देखो थोड़ा सा थियरी पार्ट हम बता रहे हैं, पढ़ लेना, कालीन एरियस, एक्चुअल में कालीन एरियस है क्या? देखो कालीन एरियस है क्या, किसी समझो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, कंपनी ने एप्लीकेशन, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी भर दिया, अब अलॉटमेंट का लेटर, अलॉटमेंट लेटर गया, अलॉटमेंट मनी भरने के लिए आ गया, या अलॉटमेंट भी भर दिया समझो, कॉल लेटर गया, कॉल मनी भरने का टाइम आया, तो उन्होंने बोला कि हम कॉल मनी नहीं भर पाएंगे। समझो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है या 1000 शेयर है, वो बोल रहा है कि हम कॉल मनी नहीं भरेंगे, तो वो डिफॉल्टर हो गया, उसको कंपनी जो है अपने मेंबरशिप से, मेंबरशिप के रजिस्टर से निकाल भी सकती है, हैं? तो कॉल इन एरियस मतलब डिफॉल्टर, किसी ने समझो कॉल मनी टाइम पर नहीं भरा, तो हो गया कॉल इन एरियस, ये कंपनी के लिए लॉस है, लॉस है तो कॉल इन एरियस को डेबिट आता है, वो जब जनरलिटी आएगा तब समझाएंगे। देखो कॉल इन एरियस का मतलब होता है इफ कंपनी एक्सेप्ट द एप्लीकेशन एंड अलॉट द शेयर टू ऑल पर्सन बिकम द शेयर होल्डर, सबको अलॉट कर दिए शेयर होल्डर हो गए, द शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे द इंटायर अमाउंट ऑफ द शेयर, अब शेयर होल्डर के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि वो पूरा का पूरा पैसा भरेगा। इन केस, यहाँ पे देखो, इन केस ही फेल्स टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम, यानी जिसको शेयर अलॉट हुआ है उसके अगर वो फेल हो जाता है, कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी भरता नहीं है टाइम पर, तो अनपेड अमाउंट इज नोन एज कॉल इन एरियस, जो पैसा उन्होंने नहीं भरा है वो जो है कॉल इन एरियस कराएगा। द अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी इज केप्ट इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट फॉर द बैलेंस नॉट रिसीव और मनी ट्रांसफर टू न्यू अकाउंट कॉल इन एरियस अकाउंट, इसको हम कॉल इन एरियस में ले जाएंगे। कॉल इन एरियस जो है, जो कॉल मनी रिसीव हुआ है सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। द कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट बैलेंस विच इज शोन इन द एज ए डिडक्शन फ्रॉम द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में इसको हम बता देंगे। उसके बाद है कॉल इन एडवांस, कोई कोई शेयर होल्डर जो है अलॉटमेंट के टाइम ही बोला कि हमसे जो है कॉल मनी एडवांस में ले लो, तो ये भी होता है, कोई मेंबर जो है एडवांस में पैसा भर दिया, तो जो है एडवांस में पैसा आ गया वो कंपनी के ऊपर जो है लाइबिलिटी है, वो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड जाएगा। कॉल इन एडवांस लाइबिलिटी साइड लेस करके बताते हैं कि कॉल इन एडवांस आ गया ये कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है, यानी किसी ने एडवांस में पैसा भर दिया अपना कॉल मनी, उसको बोलते हैं कालीन एडवांस। तो इस तरह से जो है ये जो है आज कालीन एरियर, कालीन एडवांस थोड़ा सा पढ़ लेना, इसके बाद जो है कालीन एरियर कालीन एडवांस पर जो है प्रॉब्लम रहेगा, सिर्फ जो है एक एक एंट्री ही जो है डिफरेंस रहेगा। ये जो है ओपन कर, हाँ।